शासन से भी ये कहता हूं, याद रखना, अगर अगली बार जब सत्संग होगा और व्यवस्था अच्छी नहीं हुई तो चैन से सोने नहीं दूंगा आपको, मेरी बात को अच्छी तरह दिमाग में रखना, कोई गलत फहमी मत रखना, कोई गलत फहमी मत रखना। ये मत समझना कि रविदास होगा सत्संग है और इसकी हैसियत है, हमारी हैसियत ऐसी है कि जब दिल्ली में गुरुवर तो टूटा था तो हमने दिल्ली के तख्त को 24 घंटे में हिला दिया था, हमारी हैसियत नहीं आती। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम महाराज जी यहाँ बैठे, महाराज जी किसी और का सत्संग होता है ऐसी व्यवस्था होती कि पत्ता नहीं हिलता। ये प्रशासन के लोग हमारी हैसियत नहीं समझते। जितने लोग यहाँ पहले किसी गद्दी में इकट्ठा होते होंगे और वहां 40-40, 100-200, 200-500 पुलिस वाले लग के व्यवस्था करते हैं, किसी को खरोच नहीं आती। और यहाँ तो अगर ये हमारे पहरेदार ना हो आपके तो यहाँ रास्ते भी बंद हो जाएंगे। मैं प्रशासन से भी ये कहता हूं, याद रखना, अगर अगली बार जब सत्संग होगा और व्यवस्था अच्छी नहीं हुई तो चैन से सोने नहीं दूंगा आपको, मेरी बात को अच्छी तरह दिमाग में रखना, कोई गलत फहमी मत रखना, कोई गलत फहमी मत रखना। ये मत समझना कि रविदास होगा सत्संग है और इसकी हैसियत है, हमारी हैसियत ऐसी है कि जब दिल्ली में गुरुवर तो टूटा था तो हमने दिल्ली के तख्त को 24 घंटे में हिला दिया था, हमारी हैसियत नहीं आती। इतने हल्के मत समझना, ये जो बाड़े में लोग बैठे हैं ये हमारे सर माथे हैं, ये हमारी पगड़ी है, ये हमारे गुरु, हमारा सम्मान है। और अगर इनके सम्मान पे आ जाएगी तो फिर इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। प्रशासन शासन के लोगों, ये बात आप याद रखना, मैं व्यवस्था देख के आया हूं। अगर हमारे लोग जिम्मेदारी ना उठाएं तो ऐसा लगता है कि अब कुछ भी नहीं हो रहा है, ये बहुत गलत बात है। ये हम भी टैक्स देते हैं, दोहराया नहीं चलने देंगे। अगली बार सत्संग होगा तो व्यवस्था ऐसी होगी जैसी दूसरे लोगों के लिए होती है, और हमें किसे प्राइज उनके लिए और अच्छी करो। भीम बुलाता है हमें, जय भीम बुलाता है, अब तो चले।